हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दे रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गिव मी वन लाइक, और बहुत अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, सोशल मीडिया पे अपने रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ बालों के लिए, बालों को रिपेयर करने के लिए, बालों को कलर करने के लिए नेचुरली, वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि ये बिल्कुल नॉन प्रमोशनल वीडियो है। इस वीडियो के लिए मुझे कोई भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। ये मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बालों में मेहंदी अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग आप में से करते भी होंगे, रेगुलर करते हैं। कुछ लोग मंथ में 2-3 बार लगाते हैं, कुछ हफ्ते में 2-3 बार लगाते हैं, और लगाना भी चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा शाइन के लिए, बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए, और बालों में कलर अगर आपको चाहिए तो कलर के लिए, बाल अगर ग्रे हो रहे हैं तो उसके लिए भी मेहंदी बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ ही साथ वो हमारे बालों को कंडीशनर देती है, चमक देती है, मजबूत बनाती है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि आपको मेहंदी जरूर लगानी चाहिए, इंक्लूडिंग मी। मैं तो मेहंदी लगाती रहती हूँ। तो आज मैं अपना जो मेहंदी मैं यूज़ करती हूँ उसका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो ये है नूपुर की, गोदरेज की नूपुर हिना मेहंदी। मुझे नहीं पता कि कितनी तरह की मेहंदी आती है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मेहंदी मैं यूज़ करती हूँ वो मेरे बालों के लिए 100% सेफ है। तो गाइस, अगर बालों में या फिर स्किन पे किसी तरह का मतलब कोई चीज़ आप अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर कि अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, पॉजिटिव नहीं आता, तो उसका रिजल्ट निगेटिव भी ना आए। तो यही मान के मैं भी चलती हूँ कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ भले उसका रिजल्ट मुझे ना मिले, लेकिन उसका जो है निगेटिव मेरे बालों पर या मेरे चेहरे पर उसका निगेटिव रिएक्शन ना हो। तो आज मैं ये गोदरेज की नूपुर हिना मेहंदी के बारे में बात करूँगी। तो ये है गोदरेज की नूपुर हिना मेहंदी, जो 100% नेचुरल है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो पैकेट है वो छोटा पैकेट भी इनका आता है, बड़ा पैकेट है, लेकिन मैं बड़ा पैकेट ही यूज़ करती हूँ क्योंकि एक बार ले लो तो फिर बार बार झंझट नहीं होता है लेने का, और काफ़ी टाइम अच्छे से ये चल जाता है 5-6 बार अप्लाई करने पर। और आप बाल अगर आपके बड़े हैं, ज़्यादा हैं, तो आपको भी 1 kg का ही पैकेट आ जाएगा। ये 400 ग्राम की ये है, 400 ग्राम की, और MRP इसका 210 है। तो ये है। अब इसमें खास बात क्या है, सबसे पहले तो गोदरेज जो है जाना माना ब्रांड है, बहुत सारी चीज़ें इनकी हैं। आपको अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इनका डाई भी आता है गोदरेज का, जो काफ़ी हद तक अच्छा है। तो इनकी जो ये मेहंदी है वो है 9 गुडनेस ऑफ हर्ब्स, 9 तरह की इनकी जो हम जड़ी बूटियाँ हैं उसको मिला करके, हर्ब्स को मिला करके ये मेहंदी है इनकी, और फॉर सिल्की एंड शाइनी हेयर। तो देखते हैं कि इनका कितना मतलब इनकी इसमें क्या क्या है, इसमें किसको लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि 100% नेचुरल है ये, तो आपको समझ में आ गया। लेकिन इनके जो 9 गुडनेस है, 9 तरह के जो हर्ब्स हैं वो यहाँ पे इनका फीचर है। तो फीचर्स में इनके क्या क्या हैं, हिबिस्कस है। तो जैसा कि आपको पता है हिबिस्कस में क्या होता है, हिबिस्कस एक तरह का फ्लावर होता है, इसी तरह का जहाँ से जो ये आप पिक्चर देख रहे हो, इस तरह का फ्लावर होता है जो हमारे स्किन और हेयर दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी कॉस्मेटिक में, बहुत सारे ऑयल में, सोप में, शैम्पू में हिबिस्कस का यूज़ किया जाता है। और बालों के लिए माने तो हेयर और शैम्पू दोनों में हिबिस्कस का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हिबिस्कस जो है हेयर को शाइनी और सिल्की बनाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ भी है। तो ये हिबिस्कस है इसमें। दूसरा जो है पॉइंट इनका वो है ब्रह्मी। आपको पता है कि ब्रह्मी जो है एक ऐसी चीज़ है जो अगर अच्छे से अप्लाई की जाए और ज़्यादा बालों में इन्फेक्शन नहीं है आपके, तो बिना जिसमें जिनके सर में बाल भी नहीं है उनके सर में बाल लाने की ये क्षमता रखता है। तो हेयर ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा, ये प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है ब्रह्मी। शिकाकाई है, नॉर्मली हम लोग शिकाकाई क्या करते थे पहले कि उसको भिगाते थे, रात भर भिगा करके फिर बालों में अप्लाई करते थे, या फिर अलग से उसका पाउडर ले करके फिर हम मेहंदी में डाल के यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें आज शिकाकाई की लीव्स भी है जो हेयर को अच्छे से जा करके, रूट्स में जा करके हेयर को क्लीन करता है और शाइन करता है। तो इसमें शिकाकाई है। चौथी जो चीज़ है वो है मेथी। बहुत सारे लोग इनफैक्ट मुझे जो सुन भी रहे होंगे वो लोग भी चाहते हैं कि मेथी कितनी पावरफुल होती है हमारे बालों को ग्रोथ देने में, नरिश करने में, मॉइस्चराइज करने में। मेथी बहुत ज़्यादा ही कैपेबल होती है। तो यहाँ पे कंडीशनर के लिए, नरिश के लिए,
बालों को ग्रोथ के लिए मेथी का यूज़ करते हैं, तो इसमें मेथी अलग से आपको लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको डायरेक्टली इसमें मेथी भी मिलेगी। नीम आप तो जानते हैं एंटीबायोटिक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे नीम की बहुत सारी डिसीजेज जो हैं नीम से दूर होती हैं। तो यहाँ पे नीम है जो फाइट करता है, स्कैल्प का इन्फेक्शन होता है या डैंड्रफ होता है उसके लिए भी इसमें नीम है। जटामासी है, जो आपके सफ़ेद बाल अगर हो रहे हैं, बाल ग्रे हो रहे हैं, तो उसमें ये आपको हेल्प करता है बालों को ग्रे होने से बचाने के लिए और उनको फिर से ब्लैक करने में ये हेल्प करता है। एलोवेरा है, जैसा कि आप जानते हैं कि एलोवेरा कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए। इंटरनल भी हम एलोवेरा को हम ले सकते हैं अपनी बॉडी में। तो यहाँ पे एलोवेरा है बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए, सिल्की बनाने के लिए। भृंगराज भी आप जानते होंगे, बहुत सारे तेल में भृंगराज का जो है तत्व पाया जाता है, गुड़ पाया जाता है, क्योंकि भृंगराज ऐसी चीज़ है जो बालों को एक नई जान देता है, एक नई चमक देता है, दो मुँहे बालों को हेल्प करता है, ये प्रोटेक्ट करता है और सही करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो भृंगराज है, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है आंवला। आंवला को कच्चा भी आप खा सकते हैं, उसका मुरब्बा भी खा सकते हैं, उसकी आप बहुत सारी कैंडीज बना सकते हैं, बहुत तरीके से आंवला जो है खाया जा सकता है और बालों के लिए ये बहुत ही गुणकारी होता है। तो डार्कनेस, हेयर कलर, शाइन एंड लस्टर, एक्स्ट्रा शाइन के लिए, बालों को मजबूती के लिए आंवला बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो जितनी ओवरऑल यहाँ पे चीज़ें हैं वो आपको अगर अलग से आप आज तक करते थे, अलग से लेते थे, अलग से भिगो कर बालों में लगाते थे, जैसे कि मेथी है बालों को भिगो करके पहले फिर उसको पीसते हैं फिर लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ों का एक जो है कॉम्बिनेशन है ये नूपुर हिना मेहंदी, जो 100% नेचुरल है। और इन सब के बाद इसमें मेहंदी की लीव्स है जिसको पीस करके फिर इन सारे मिक्सचर को उसमें मिलाया गया है और ये फिर ये नूपुर मेहंदी तैयार होती है। तो ये कोई साइड इफ़ेक्ट इससे नहीं होगा, सारी चीज़ें जो हैं आपके हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए जो है वो इजी मिल जाती हैं और बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अगर आप मेहंदी लगाती तो एक बार मेरे कहने से नूपुर की मेहंदी को ट्राई ज़रूर करिएगा। गोदरेज की है, अफोर्डेबल प्राइस भी है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और सबसे अच्छी बात ये है 100% नेचुरल है। तो नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में या फिर आगे 2-3 वीडियो के बाद मैं बताऊंगी कि मैं कैसे इसको अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये मेहंदी तो मैं भिगाती हूँ, इसके अलावा मैं इसमें जब मैं इसको भिगाती हूँ, फेंटती हूँ, तो इसमें कुछ चीज़ें मैं डालती हूँ जिससे मेरे बालों में एक्स्ट्रा शाइन आती है, एक्स्ट्रा चमक आती है, एक्स्ट्रा मुझे कलर बाल अच्छे लगते हैं, तो एक्स्ट्रा कलर के लिए मैं उसमें कुछ अलग चीज़ें डालती हूँ, तो वो चीज़ मैं जरूर शेयर करूँगी आपसे। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू, बाय बाय।